हेलो फ्रेंड्स, प्रीति की पाकशाला में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ व्हिपिंग क्रीम के लिए, क्योंकि हम अक्सर हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम केक बनाना चाहते हैं तो क्रीम को व्हिप कैसे करें। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी आपको केक बनाना हो तो नॉन डेरी क्रीम आप यूज़ करें। कभी भी आप सोचते हैं कि अमूल की आप क्रीम लाएंगे तो आपका केक बन जाएगा या आप क्रीम को व्हिप कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है दोस्तों। आप कभी भी अमूल क्रीम से केक नहीं बना सकते। आपको अगर केक बनाना है तो उसके लिए नॉन डेरी क्रीम लानी होगी। मेरे पास ट्रोपोलाइट है, आप इस तरह की मार्केट में और भी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, जैसे कि सिल्वर मार्क और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बट आपको बोलना होगा नॉन डेरी क्रीम। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि क्रीम को हम व्हिप कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे ये क्रीम ली है ट्रोपोलाइट प्रीमियम, आज मैं इसको आपको व्हिप करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये क्रीम मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये मैंने ले ली है यहाँ पर क्रीम। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्रीम बनाने के लिए आप क्रीम को चिल्ड ही लें, बिल्कुल आपकी क्रीम ठंडी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे गर्म क्रीम का यूज कर रहे हैं, मतलब कि क्रीम आपकी चिल्ड नहीं है, तो आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये एक आपके लिए जरूरी टिप्स है कि आपको क्रीम को बिल्कुल चिल्ड ही लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्रीम ले ली है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी क्रीम डाल ली है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें इससे बीट करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि आप इससे क्रीम को बीट कर सकते हैं, बट आपका जो टाइम है 10 से 15 मिनट लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। आप कर सकते हैं इससे व्हिप, आप करना चाहें तो आप व्हिप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह का अपना व्हिपिंग हैंड ब्लेंडर। तो इसको हम व्हिपिंग मशीन कहते हैं, हैंड ब्लेंडर कहते हैं। तो इसके थ्रू आज मैं आपको व्हिप करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्पफुल है और आप इसके अंदर 3 से 4 मिनट के अंदर अपनी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे व्हिप करके दिखा रही हूँ, चलिए हम व्हिप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर 1 पर व्हिप किया है। आप 1 नंबर पे प्रेस करके, शुरू में हम 1 से 2 मिनट नंबर 1 पे करेंगे। जब हम 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए व्हिप कर लेंगे, उसके बाद आप इसको हाई स्पीड पे करके बीट करेंगे। ये देखिए, काफ़ी हमारी जो है क्रीम थिक हो गई है। मैंने अभी 2 मिनट के लिए किया है 1 नंबर पे, अब मैं इसको हाई फ्लेम पे करूंगी। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल वीडियो को बिना स्टॉप किए आपको आज क्रीम व्हिप करके दिखाई है। 2 मिनट्स मैंने पहले किया था और 2 ही मिनट मैंने अब किया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टिफ पीक आ चुकी है। ये देखिए, अगर ये क्रीम बनी नहीं होती तो ये जो हमारी ये स्टिफ पीक दिख रही है ना आपको, ये देखिए, ये इस तरीके से नहीं आती है। क्रीम हमारी एकदम परफेक्ट है। अब हमारे 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी क्रीम में माउंटेन्स बन चुके हैं, ये देखिए। तो अभी मैं इसको एक बार स्पैचुला से चारों तरफ से इसको मिक्स करूंगी, क्योंकि साइड में जो क्रीम लगी रह गई होगी उसकी वजह से क्या होता है, अक्सर हमारी क्रीम लूज़ हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी क्रीम परफेक्ट बीट नहीं हुई। तो इसके लिए मैं इसको एक बार साइड से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम एक बार साइड से सारी क्रीम को बीच में लेकर आएंगे। वैसे हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी परफेक्ट है। बट हमें अभी साइड से हटानी है, एक बार साइड से ज़रूर हटानी है, बीच में करनी है, और हल्का सा हम आधा मिनट के लिए एक बार और बीट करेंगे, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। हमारी क्रीम बन चुकी है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बनी है कि नहीं? एक तो ये देखिए, मैं आपको इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हमारी क्रीम अपनी जगह से नहीं हिलेगी। पहली पहचान ये है। दूसरी है फ्रेंड्स, जब हम अपने इस स्पैचुला को इसके अंदर डालेंगे, अब आप इसको उल्टा करिए, ये देखिए हमारी क्रीम नहीं गिरेगी। यही एक खास पहचान है। आप किस तरह से पहचानोगे कि आपकी क्रीम बनी है या नहीं? इस तरीके से, ये देखिए, आप इसे ऐसे भी हिलाएंगे भी ना तब भी ये नहीं गिरेगी, क्योंकि ये परफेक्ट पहचान है हमारी क्रीम बनाने की। तो आज मैंने आपके साथ शेयर करी है क्रीम बनाने की टिप्स। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीति की पाकशाला।